हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईमित्रा सीएससी हेल्पलाइन में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपके सामने है ईमित्र पे एक नया नोटिफिकेशन आया है, तो सबसे पहले हम उसी नए नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से उस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो और चेक करने के बाद में आपको क्या करना होगा। जो ईमित्र से आधार कार्ड बना रहे हैं उनके लिए यह नोटिफिकेशन जरूरी है, ये नोटिफिकेशन देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, जो ई मित्र पे नोटिफिकेशन आया 15 फरवरी 2021 को 12:05 पे ये नोटिफिकेशन आया था, जिसमें लिखा गया है पीजीएक्यूएसक धारक आधार अनुभाग से आपके द्वारा किए गए आधार नामांकन का डाटा जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 तक का प्राप्त हुआ है, जिसे आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आधार इनरोलमेंट डाटा जनवरी 2020 टू अक्टूबर 2020 सर्च करें एवं डाउनलोड बटन पर सेव पर क्लिक करके आपके द्वारा किए गए आधार नामांकन का डाटा चेक करें। आपको यहां पे जिनसे जो साइट दी हुई है imitra.rajasthan.gov.in के बाद में आपको गाइडलाइन वाले सेक्शन में आके आप देख सकते हो। आपके द्वारा किए गए आधार नामांकन में किसी भी प्रकार की त्रुटि या समस्या होने पर आधार की टीम निम्न मेल पर आईडी, आपको जो यहाँ पे मेल आईडी दी हुई uid@rajasthan.gov.in, इस ईमेल आईडी पे आपको अगर कोई त्रुटि लगती है तो आपको मेल करनी है। चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आप डाटा डाउनलोड करके उसको किस प्रकार से चेक कर सकते हो और इसमें आपको चेक करने वाली क्या चीज़ है, आपको चेक करनी क्या है इसमें, तो चलिए अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपको इस लिंक को कॉपी कर लेना है और आप इस लिंक को अगर क्रोम में ओपन करोगे तो क्रोम में ओपन नहीं होगा और इस प्रकार से आपके सामने पेज आ जाएगा, कुछ भी पेज आ जाएगा और ये क्रोम में ओपन नहीं होगी, तो इसलिए इसको आपको मोजिला में ही ओपन करनी होगी। अगर आप मोजिला में ओपन करोगे तभी ये साइट है जो ओपन हो पाएगी। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपके सामने है जो क्रोम में ओपन होगी, आपको इसको क्लोज कर देना है। इसको क्लोज करने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन के अंदर टाइप करना होगा आधार। जैसे आप यहाँ पे आधार सर्च करके टाइप करके इंटर की प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको 3 नंबर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ये रहा दिनांक, जिस भी दिनांक को ये नोटिफिकेशन आया था वो दिनांक आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद डाउनलोड वाले ऑप्शन पे ओके करना है। जैसे आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे ओके करोगे इस प्रकार से आपके सामने पेज आ जाएगा। तो आपको इसको डाउनलोड करने के लिए मोजिला ब्राउजर यूज करना होगा। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको मोजिला यूज करके दिखा रहा हूँ। ये लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी और इस प्रकार से पेज एक बार फिर से है जो रीलोड हुआ है। रीलोड होने के बाद में आपके सामने सेम वही आया, आपको इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में सर्च वाले ऑप्शन में आपको आधार सर्च करना है। आधार सर्च करने के बाद में आपको इस प्रकार से आपके सामने पेज आ जाएगा। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है 15/2/2021 को नोटिफिकेशन आया था। आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे ओके कर देना है। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे ओके करने के बाद में अगर आप इसको डायरेक्ट ओपन करना चाहते हो ओपन रखिए, अन्यथा आप इसको सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ तो ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2 डिफॉल्ट है, मैं इस पे ओके कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पे ओके किया तो पेज रीलोड हुआ और इस प्रकार से मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2020 में ये फाइल जो ओपन हो गई। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपकी फाइल भी आपके सामने ओपन होगी। इसको क्लोज कर देना है, इनेबल एडिटिंग कर लेनी है। उसके बाद में इसमें जो आपको इसमें चेक करने वाली चीज़ है वो ये है, आपने जो जनवरी इसमें जो आपको यहाँ पे महीना दिया गया है, देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये रहा आपको जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 तक आपके जितने आधार कार्ड बने हैं वो आधार कार्ड आपको यहाँ पे चेक करने हैं। जैसे जनवरी 2020 से आपको यहाँ पे आपकी मशीन का कोड दिया हुआ है 10744 10555, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। आपका मशीन कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा और आपने जनवरी से अक्टूबर महीने तक जितने भी आधार कार्ड नए बनाए हैं, नए इनरोलमेंट किए हैं, वो आपके आधार कार्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे 10744 जिसकी मशीन कोड है, जिसका मशीन नंबर है, उसने 713 आधार कार्ड है जो नए बनाए हैं। नीचे वाले ने 674 आधार कार्ड नए बनाए हैं और उससे नीचे वाले ने 620 आधार कार्ड है जो नए बनाए हैं। ये आगे आने वाले टाइम में आपको कमीशन मिलने वाला है अभी थोड़े टाइम में, तो इसके लिए आपको ये डाटा दिया गया है। तो आप इस डाटा को एक बार चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपने जनवरी से अक्टूबर महीने में ज़्यादा आधार कार्ड बनाए हैं तो आपको जो मेल आईडी दी गई थी uid@rajasthan.gov.in इस पे मेल कर दीजिए कि आपने इतने आधार कार्ड बनाए थे, आपकी जो भी इश्यू है वो मेल कर दीजिए। अगर आपके यहाँ पे आधार कार्ड ज़्यादा बनाए दिखाई दे रहे हैं और आपने कम बनाए थे तो आप उसी मेल पे मेल कर दीजिए कि आपने आधार कार्ड कम बनाए थे लेकिन यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका इश्यू जो सोल्व हो जाएगा और आपको ही इश्यू यहाँ पर जो चेक करना है, इसी के लिए ये ई मित्र पे नया नोटिफिकेशन आया था। आप यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल अप करके सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो मैं ये सर्च करता हूँ, जैसे मैंने नेक्स्ट बटन पे ओके किया तो इस प्रकार से आप फाइंड नेक्स्ट पे ओके करके ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे को मिल गया है। इस प्रकार से आप है तो चेक कर सकते हो जो भी आपकी मशीन नंबर है, उस मशीन नंबर से आपने जितने भी आधार जनरेट किए हैं उतने आधार आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है, ई मित्र के अंदर जो नोटिफिकेशन आया उसके बारे में, उसके बाद में उस नोटिफिकेशन में जो आपको बात बताई गई है उसको आप डाउनलोड करके किस प्रकार से चेक कर सकते हो वो मैंने जानकारी आज इस वीडियो में दी है। दोस्तों अगर आपको इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत लगती है या फिर सूचना गलत लगती है, जैसे कि आपने आधार कार्ड बनाए कम हो और यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, अगर आपने बनाए ज़्यादा हो और यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हो, तो इसके लिए यहाँ पर जो आपको ईमेल आईडी दी गई है uid@rajasthan.gov.in, तो आपको इस ईमेल आईडी पे जो भी आपका इशू है वो आपको मेल कर देना है। अगर आपके यहाँ पे डिटेल आपको सही दिखा रही है तो इसमें कोई भी कुछ भी मिस्टेक नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ना कुछ टेंशन लेने वाली बात है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इसी प्रकार की नई नई और ताज़ा जानकारियों के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों इस चैनल पर मैं ई मित्रा CSE और एजुकेशन से रिलेटेड आप सबके लिए नई नई जानकारी लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।